कलयुग बाबे तारिया 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 कलयुग बाबे कलयुग बाबे कलयुग बाबे भाई साहब भाई गुरदास जी अपनी वारां विच कहंदे ने भाई गिलान सिंह जी रब जी महाराज ज्ञान वाले महंत पाल सिंह जी लोहिया खास वाले स्वामी अच्युतानंद जी महाराज जिहड़े कि साध संगत जी ओह 7 तरीक तों महापुरशां दी सलाना याद के संबंध में अपनी विरकत मंडली के समेत हरिद्वार तो पहुंचे हुए हैं। रात्रि के दीवाना विच प्रवचन सुना के कृतार्थ करते ने। बहुत ही सत्कारयोग संत बाबा सतनाम सिंह जी चक गुरु, बहुत ही सत्कारयोग संत बाबा करतार सिंह दास जी मुख सेवादार सचखंड वासी संत महाराज संत बाबा रंगी राम जी जन्म अस्थान टूटा मटूटो मजारा वाले वो भी दर्शन दे रहे ने। बहुत ही सत्कार जो जिन्हों का साध संगत जीओ सचखंड वासी संत महाराज संत बाबा जगदेव सिंह जिया के नाल अथा प्यार रहा है। ये कोई आच कथनी नहीं होगी जेकर आपां साध संगत जी उन्हां नूं आख लईए कि ओह संत महाराज संत बाबा जगदेव सिंह जी दी सज्जी बांह कहण तों भाव बहुत ही सत्कारयोग संत बाबा गुरचरण सिंह जी निर्मल कुटिया शंभवाली कई रोज तों इत्थे रह के बाबा मक्खण सिंह जी का साथ दे रहे ने, इस बाबा निभा रहे ने। आओ साध सिंह जी साडे कोल बहुत ही सत्कारयोग इलाके की महान हस्ती सरदार सुरिंदर सिंह जी भुलेवाल राठ उचेचे तौर पर महापुरशां नूं सरदा दे फुल भेट करने वास्ते पहुंचे हुए हैं। नाल ही सरदार सुरिंदर सिंह जी वालिया बहुत ही सत्कारयोग राजनीतिक गुरमुख प्यारियां दे बड़े रझेवे होया करते ने। भुलेवाल राठ कुछ समय वास्ते इन्हां दा सचखंड वासी संत महाराज संत बाबा जगदेव सिंह जी नाल इस अस्थान दे नाल अथाह प्रेम रहा है, अथाह प्रेम करते आ रहे ने। इन्हां नूं बेनती है कि महापुरशां नूं शरदा दे फुल भेट करनगे सरदार सुरिंदर सिंह जी भुलेवाल साहिब। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पवित्र गोद विराजमान संत महापुरश ते बहुत ही सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां सारे ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा दलेर सिंह जी की 11वीं बरसी ते बहुत ही सत्कारयोग संत बाबा जगदेव सिंह जी मोनी जी जिन्हां दी पहली बरसी ते उन्हां नूं श्रद्धा दे फुल भेट करन वास्ते आपां सारे एकत्र होए हां। संत बाबा दलेर सिंह जी जिन्हां ने जो कि संगतां नूं तारन वास्ते आए सन और जिन्हां ने लखां लोगां नूं सिद्धे रस्ते ते पाया,
और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लड़ लाया और उन्हां नूं सही सेध दित्ती। इसे तरह उन्हां तों बरसाए होए संत बाबा जगदेव सिंह जी मोनी। मैनूं तां इउं लगदा जदों पिछली बारी भी उन्हां दे दर्शन कीते सी, इत्थे उन्हां दा पलंग पिया होया सी और स्टेजां दे शिंगार सन, मिठ बोलड़ा सवा, हर एक दा सत्कार करन वाले महापुरुष दा चले जाना बहुत ही दुखदाई होया करदा। संत मोए क्या रोइए, जो अपने ग्रह जाए वो तो अपने घर जांदे आ, जो अकाल पुरख दा स्वर्ग आ उत्थे जाया करदे ने। संत महापुरुष उस अकाल पुरख दे प्यारे होया करदे ने। जदों जदों किते अकाल पुरख नूं लोड़ पैंदी ओ महापुरशां नूं संसार दे विच भेजदे ने कि संगतां नूं सीधे रस्ते पाउणा, संगतां नूं सही सेध देण वास्ते आया करदे ने। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, कोपड़ भागी पाइए ओ इंसान भागा वाले होया करदे आ, जो चंगे महापुरशां दी संगत करदे आ, उन्हां दे दर्शाए होए मार्ग ते चलदे आ ओ इंसान भागा वाले होया करदे आ। जदों असी इन्हां पवित्र स्थानां ते आउने आ, असी इन्हां पवित्र स्थानां ते नतमस्तक होने आ, असी इन्हां पवित्र स्थानां तों झोलियां भर के जाने आ। अज मैं समुचियां संगतां नूं पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे प्रकाश दिहाड़े दी भी लख लख वधाई दिंदा, जिन्हां ने पूरे जगत नूं उन्हां ने सेध दित्ती और बहुत भुले भटके लोगां नूं उन्हां ने सीधे रस्ते ते पाया। अज जे मैं समझदा जे किते माड़ी मोटी सच्चाई मिलदी आ, इह गुरु साहिब दा जो दसाया होया मार्ग जो सानूं उह सही सीध दे के गए आ और श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ लाया, उस अकाल पुरख दे कोल जा के मूल मंत्र दा जाप लै के आए और धुर की बाणी लैंदी, अज असीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी जिथे आराधना करदे आं उस अकाल पुरख नूं पाउण वास्ते इह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी जो सब तों उत्तम बाणी आ, दुनिया दे अनेकां धर्म आ और किसे धर्म दे कोल भी कोई एडा वड्डा खजाना नहीं जो गुरु साहिब सानूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ ला के गए आ। सानूं संतां महापुरशां दा सत्कार करना चाहीदा, गुरु के वजीरां दा सत्कार करना चाहीदा, गुरु के कीर्तनियां दा सत्कार करना चाहीदा, ढाडी वीरां दा सत्कार करना चाहीदा जिहड़े सानूं तुरकी बाणी सरवण कराउंदे आ और सिख इतिहास तों जाणू कराउंदे आ। सानूं